दोस्तों ये देखिए देहाती भौजी गर्मी ज़्यादा होने के कारण पछुआ का हवा खा रही है मकई के खेत में। हवा खानी मकई है, ये इनका मकई है। बताओ ये हमारा मकई है देखिए दोस्तों। और बीया देखो तानी बीया हमारा देखिए धान का बीया देख रही हैं, मतलब यही है इनका। ज़्यादा गर्मी पड़ेगी क्या देहाती हो जी? यहाँ कहाँ गर्मी है, हवा लगता देखी सोन बहुत मस्त हवा लगला। हमारे बहरे घर है देखी सोन, एक पेड़ पौधा बा। ज़्यादा गर्मी होला तो आके ही हवा खानी देखी सोन। आई सोन रउआ सोन का हवा खाए खोके देखी सोन ए सी फेल कैले बा। हाँ दोस्तों सही में देखिए इनके घर पे पूरा सिवानी है इनके घर से, एकदम एसी की हवा लगती है। यहाँ बनावटी हवा नहीं खाती हैं, ये नेचुरल और कुदरती हवा है। पंखा कूलर सब हेल कैले भाई हवा सब लोग मतलब यहाँ आया देखी सर खटिया ले ले आके बहुत आदमी बैठे ना बाहर घर हमारा देखिए सब तनान ठीक लगी। ठंडी में तो पतो चलेला हमन के कहाँ जा रहे हो जाते हो जी? तो नेबुआ को तोड़ी रस घर के नेबुआ का पेड़ है का तुम्हारे घर? सब तो तोड़ ले गए ना सबका देखिए दोस्तों बचल बा। ये नींबुआ का पेड़ है, कागजी नींबू का पेड़ है और देहाती भौजी बोई हुई हैं। है क्या है चलो नींबू नींबू घोरो रस पिया जाए, गर्मी बहुत है। जल्दी से घोरो उसको पिया जाए। देखिए देहाती भौजी जा रही है रस घोरने। ये इनका मकई का खेत है, ये इनका घर है, सब एक जगह भाई खेत है, इसी में बिया डाली हुई है, ये बजरा बोया गया है। ये देखिए दोस्तों देहाती भौजी अपन बिहौती पीढ़ा लेके जा रहे हैं। मूर्ति बनावता बारे कलाकारी करता ना लोग दोनों जने मूर्ति बनाओ था ना, हम खुद एक मूर्ति है। एकदम मार खाए वाला कर करता लोग दिन भर कनई माटी मारा। माँ से बढ़ के कोई न दूजा बोल सत्यम शिवम है। गई का है ऐसा माटी लगल बाटे है।